कुछ और स्टॉक्स देखे, छोटे मोटे स्टॉक्स जिसमें तेजी देखने को लिए, और आज तय जाने कहीं ना कहीं बाजार में फिलहाल के लिए निफ्टी में गिरावट देखने को नहीं मिल सकती बड़ी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स फ्रंट फुट पे है। टीसीएस देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास, एससीएल टेक देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती, विप्रो में खरीदारी करने का संदीप सर सुनील दोनों ने राय दी थी, वहाँ मजबूती देखने को मिले। तमाम आईटी स्टॉक्स में देखिए आज के डेट में एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। तमाम तीन स्टॉक्स आईटी स्टॉक्स की मैंने बात की, इसमें विप्रो में तो खरीदारी करने की सलाह दी ही सोनी ने। सीधे तौर पर किरण, एससीएल टेक, टीसीएस कोई पसंद है क्या इन दोनों में से? एचसीएल टेक और टीसीएस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टीसीएस हमको ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे तो डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली स्टॉक हायर ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर टीसीएस के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट आती है तो लॉन्ग करना चाहिए, 3900 का एक स्टॉप लॉस हमें पोजिशनली रखना चाहिए, और जिस तरह का वीकली चार्ट है डेफिनेटली हम यहाँ पे एक अच्छी बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आईटी के अंदर ही दूसरा स्टॉक अगर हमें देखना है तो हमें विप्रो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। सो विप्रो में आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, रिसेंटली जो करेक्शन आया था उसमें 470 तक के लो बनाए थे, तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ आप विप्रो को भी लॉन्ग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। जिस तरह का ओवरऑल टारगेट है रिसेंटली जो भी रिकवरी हमने देखी थी आईटी में, विप्रो में कहीं ना कहीं वो रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली थी, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये कैच अप रैली में विप्रो में हम अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से आप विप्रो लॉन्ग कीजिए, 470 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट आप 550-560 तक के टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने में देख सकते हैं। रैलिस इंडिया को देखिए, एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, करीब 5.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपर स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। एग्रीकल्चर थीम है कहीं ना कहीं शेयर में, क्या राय होगी रैलिस इंडिया पे? कुश जी देखिए, आज एक अच्छा स्पर्ट है, एक अच्छा मूव है, स्टॉक ने अपना जो 50-day मूविंग एवरेज है यहाँ सपोर्ट लेके एक अच्छा रिबाउंड किया है, बट फिर उसी कंजेशन जोन के आसपास आ गया है 270 से लेके 275 तक। इनफैक्ट अगर आप देखें खुल के 20-25 मिनट हुए हैं, आज का हाई भी जो है वही 274.15 का बना है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस के करीब आया है स्टॉक, मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए अगर किसी के पास निचले स्तरों से ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में पड़ा हो तो। 275 के ऊपर जाएगा तब हम देखेंगे कि इसमें तेजी कैसी बनती है, बट तब तक मुझे लग रहा है कि वो लेवल जो है रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, और यहाँ पे किसी की पोजिशन हो तो मुनाफा बांध के चले। इंडिया मुनाफा वसूली के लिए एक शेयर देखिए, शेयर तो पर सोनी हमने देखा लगातार गिरावट के बाद 1050 से गिरना शुरू हुआ, अब वापस रिकवरी देखने के लिए मैक्स फाइनेंशियल देखिए, आज शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, 900 के ऊपर जो है कहीं ना कहीं ये टिकने की कोशिश कर रहा है, आज के ट्रेड में धीरे धीरे खरीदारी देखने को मिल रही है, क्या राय होगी इस पर? मनीष जी इसमें आज मोस्ट लाइकली रिजल्ट्स है तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा हम रेकमेंड कर नहीं सकते हैं, मोस्ट लाइकली आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक करना पड़ेगा, बट टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एक बार उसने अभी 900 के ऊपर एक अच्छे से निकाला है रेजिस्टेंस, तो 925 तक एक बार जा सकता है, इमीडिएट बेसिस पे 895 का एक सपोर्ट बन रहा है, सो आई थिंक जब तक 895 को होल्ड करता है 920-925 के रेंज पे इंट्राडे बेसिस पे टेस्ट कर सकता है। ठीक है।